दोस्तों आईपीएल 2025 से पहले कई टीमों में बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें एक नाम दिल्ली कैपिटल का भी है। दिल्ली ने अब तक अपने कप्तान और खिलाड़ी को लेकर कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन उन्होंने हेड कोच को हटा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पोंटिंग को कई सीजन के लिए कोचिंग की जिम्मेदारी मिली हुई थी, लेकिन हाल ही में फ्रेंचाइजी ने घोषणा करते हुए बताया कि अब दोनों अलग हो रहे हैं। इसी वजह से नए सीजन से पहले दिल्ली की टीम को हेड कोच के पद को भरना होगा। दिल्ली कैपिटल को ऐसे नाम की तलाश करनी होगी जो टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेटर सौरव गांगुली के साथ मिलकर सफलता की मार्ग तलाश सके। पोंटिंग ने हाल ही में बताया कि डीसी की टीम चाहती है कि ऑफ सीजन भी खिलाड़ियों को टाइम देने वाला हेड कोच मिले, इसी वजह से उन्होंने अलग होना पड़ा। उनका मानना है कि दिल्ली कैपिटल किसी भारतीय को अपना नया हेड कोच बना सकती है। इसी वजह से हम आपको उन तीन दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों के नाम बताने जा रहे हैं जो दिल्ली फ्रेंचाइजी के नए हेड कोच के रूप में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वे तीन खिलाड़ी है वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान और आशीष ने। दोस्तों आपको क्या लगता है दिल्ली के हेड कोच के रूप में किस खिलाड़ी को चुना जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।